हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर परफेक्टली शेडोज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हमने ये किस तरह से क्रिएट किया है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए। जिस साइज का भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। मैंने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया 920x1080 का बना के रखा हुआ है पहले से। नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से टी प्रेस कीजिए या आप यहां से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद टॉप पे यहां कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहां फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं। आप यहां से जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं पहले से रख सकते हैं। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो एक्लिन के नाम से है, ये फर्स्ट वाला। यहाँ पर मैं रेगुलर रखूँगा। इसका साइज़ फ़िलहाल के लिए मैं 320 के आसपास टाइप कर देता हूँ। हम इसको बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं लेफ्ट लाइन रखूँगा। कलर फ़िलहाल इसका मैं वाइट रख रहा हूँ यहाँ से, और इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। अब हम यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से करेक्टर पैनल को ओपन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, करेक्टर पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपका करेक्टर पैनल ना दिख रहा हो तो आप यहाँ से जाएंगे विंडो में और यहाँ पर आप करेक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पैनल दिखने लगेगा। करेक्टर पैनल ओपन करने के बाद यहाँ से मैं इसको कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ। मुझे इसको कैप्स लॉक में लिखना था। यहाँ से मैं इसको इटैलिक भी कर देता हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं इन आइकन्स पे क्लिक करने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ें। अप्लाई करने के बाद फिलहाल के लिए मैं करेक्टर पैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी की एक और कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कीजिए और यहाँ नीचे लाने के बाद अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए। फिर से हम टी प्रेस करेंगे। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप अपना फ़ॉन्ट टाइप कर लीजिए, सॉरी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए, और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। हमें इसकी एक और कॉपी चाहिए। मैं फिर से वही दोहराऊंगा, इसको रिपीट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हुए यूँ ड्रैग करेंगे, इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। फिर से टी प्रेस करेंगे और यहाँ मैं शेडोज़ टाइप करता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इस तरह से टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए। आप यहाँ से भी मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद स्टॉप वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट वाला टेक्स्ट है जो, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। हम इसको एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल इसके साथ रखते हैं यहाँ पर। इसी तरह आप तीनों को एडजस्ट कर लीजिए। आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। आप टॉप वाली को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से बॉटम वाली को शिफ्ट प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए सेंट्रलाइज करेंगे। ये देखिए, खुद ही से स्नैप कर रहा है। मैं इसको यहाँ से सेंट्रलाइज कर दूंगा। अब यहाँ से इसकी हम अलाइनमेंट भी करेंगे, यानी इसकी तरतीब ठीक करेंगे। हमारा क्रिएट टेक्स्ट जो है ऊपर है, मैं इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ ऊपर ले आऊँगा। इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है तो मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग करते हुए मिडल में ले आऊँगा। इससे हमें आसानी होगी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट स्टेप में आप इस क्रिएट वाले फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे एफएक्स में और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ ड्रॉप शेडो में आने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 90% रख रहा हूँ। यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा। यहाँ पे इसके एंगल को भी मैं 90 डिग्री रखूँगा। डिस्टेंस को यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 45 पिक्सल्स रखूँगा। सेपरेट को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ पर मैं 6% रखता हूँ। साइज़ को भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। मैं यहाँ पर 60 पिक्सल्स रखते हैं। कॉन्टूवर को आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। ये शेडो अप्लाई करने के बाद आप इस शेडो के सामने आप देख सकते हैं ये प्लस का निशान है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमें एक और शेडो क्रिएट करना है, हम इस पर ऐड करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं एक और ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को देखेंगे। यहाँ भी इसकी कुछ वैल्यूज़ को हम देखेंगे। यहाँ पर भी सेम इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई और कलर ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर हम कम करेंगे, मैं 25% कर देता हूँ। इसके एंगल को हम यहाँ पर 80 डिग्री कर देंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर देंगे। सेपरेट को हम यहाँ पे 0 रखेंगे और साइज़ को हम यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस तरह एक टेक्स्ट लेयर पर शेडो क्रिएट करने के बाद हमें इसी की कॉपी इन पर भी अप्लाई करनी है। कॉपी अप्लाई करने के लिए आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल पर क्लिक कर दीजिए। हमारा जो लेयर स्टाइल है वो कॉपी हो चुका है। अब इन दोनों लेयर्स को आप सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे। आप देख सकते हैं ये तीनों लेयर्स पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम अपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं
तो इसके लिए आप उस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि इस शेडो वाले टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम करेक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और आप जो भी कलर रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। मैं इस तरह येलो में लेके जाता हूँ इसको, थोड़ा इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरह से कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। करेक्टर पैनल को फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं। लास्ट स्टेप में हम इस बैकग्राउंड पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे या जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। इसके लिए आप बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जाएंगे हम एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट के इस पैनल में आने के बाद यहाँ स्टाइल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे रेडियल। इसके एंगल को हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। स्केल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, आप यहाँ से इसको यूँ ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 145 रखूँगा। ये वैल्यू देने के बाद आप इस ग्रेडियंट वाली बार पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम बेसिक्स में जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट दो कलर्स शो कर रहा है। सबसे पहले आप ब्लैक वाले पर डबल क्लिक करते हैं। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं आप कलर चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ से डार्क रेड यूज़ करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। इसी तरह अब हम इस वाइट वाले स्लाइडर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ रेड को, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। इस तरह के शेडोज़ आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और फ्लायर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।